हिमाचल प्रदेश विवि के दीक्षांत समारोह में 30 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। ये दूसरा मौका है जब देश के राष्ट्रपति विवि के दीक्षांत समारोह में भाग लेने आ रहे हैं। वहीं हिमाचल विश्वविद्यालय के बीसी डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बताया कि हिमाचल विवि में आइसोडोल की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसको लेकर मानव संसाधन मंत्री से बात कर बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और विवि में खाली पड़े पद भी दूसरी बड़ी चुनौती है, जिनको एक साल के अंदर भरने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विवि में मॉडर्न मार्केट बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है, ताकि ज़रूरत की सभी चीज़ें वहीं पर उपलब्ध हो सके। माननीय राष्ट्रपति जी 29 अक्टूबर को टांडा मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, और उसी दिन कन्वोकेशन के बाद वो शाम को शिमला, जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है द रिट्रीट शिमला मशोबरा में, वो आ जाएंगे। और शाम को 29 शाम को वो शिमला में रहेंगे, और 30 अक्टूबर 2018 को जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो हमारे पास 136 और गोल्ड मेडल 232, लगभग 400 बच्चों को हम जो है वो गोल्ड मेडल और पीएचडी को उपाधि दे रहे हैं। ऊना में जो हमारा रीजनल सेंटर है, वो 2019 में मैंने प्लान किया है, जो मुझे इंडिकेशन भी दी है सरकार ने, तो जो 2019 तक 3-4 डिपार्टमेंट हम वहां पर खोल के तैयार कर देंगे और शुरू कर देंगे। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।